एक और खबर है उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो राज्य ऐसे पंजाब और उत्तर प्रदेश जिसमें हलचल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हलचल फिलहाल थमती नजर आ रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई जो देर रात तक चली और बैठक में फैसला लिया गया कि अगले साल के चुनाव में पार्टी संगठन 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। मंगलवार को कई बैठकें हुई। कल मंगलवार का दिन बेहद खास रहा और पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी शामिल थे। इसके बाद फिर कोर कमेटी की बैठक देर रात तक चली और मीटिंग में शामिल मंत्रियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये बैठकों का दौर इतना लंबा क्यों? उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार क्या क्या बैठक हो रही है? नहीं, बैठक में 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं वो अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई, जो समीक्षा उसके आदरणीय संतोष जी ने किया वो। अभी दूसरी बैठक जो है सभी पूर्व अध्यक्ष मंत्रिमंडल की बैठक है, दूसरी बैठक है, इसमें भी मिशन 2022 प्लस संगठन सरकार की योजनाएं नीचे तक विकास डेवलपमेंट सभी की चर्चा करेंगे। संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया, नमस्कार, मजे में है। आप लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, नमस्ते। 2022 को आप लोगों को इतने दिन बाद देखने से मुझे कुछ आनंद ग्रहण करने दीजिए।